स्टूडेंट्स वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स। टाइप्स ऑफ बैंक्स में हमारे पास सबसे पहले अगर हम बोलें तो नंबर वन में आता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक वो बैंक होता है जो कि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो हमारे यहाँ अगर सेंट्रल बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, जो कि नज़र रखता है कि बैंकिंग सेक्टर कस्टमर्स के साथ चीटिंग ना करें, हेल्दी तरीके से बैंकिंग सेक्टर डेवलप हो, ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, पब्लिक ट्रस्ट इंक्रीज होता हो बैंकिंग सेक्टर में, ईज हो ट्रांजैक्शंस का, लोन्स का, इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता हो, तो इन सारी चीज़ों पे नज़र रखता है सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो पहला तो हो गया सेंट्रल बैंक। दूसरा हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का मतलब है वो वाले बैंक्स जो कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो वो कमर्शियल बैंक्स हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। कमर्शियल बैंक अलग अलग कैटेगरी के हो सकते हैं, जैसे हम बोलेंगे गवर्नमेंट बैंक, पब्लिक सेक्टर जिसे हम बोल सकते हैं, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। तीन अलग अलग कैटेगरी अगर हम बनाएं कमर्शियल बैंक्स की, तो इंडिया में पब्लिक मतलब सरकारी बैंक भी है, प्राइवेट बैंक्स भी हैं, मतलब ये इंडियन हैं जो ये बैंक चला रहे हैं, और फॉरेन बैंक्स हैं जो ओनर फॉरनर्स हैं, वो इंडियन सॉइल में बैंकिंग चला रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं। तो ये तीन कैटेगरी हैं, सब प्रॉफिट भी कमाते हैं। जैसे पब्लिक बैंक्स की बात करें तो हमारे पास SBI है, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सरकारी बैंक हैं हमारे पास। प्राइवेट बैंक की बात करें जो इंडियन चला रहे हैं, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, ठीक है, HDFC बैंक है, तो बहुत सारे बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं, इंडियंस ने स्टार्ट किए और इंडिया में चला रहे हैं। उसके अलावा फॉरेन बैंक्स की अगर हम बात करें तो बैंक ऑफ अमेरिका है, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये ब्रिटिश बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका तो अमेरिका का बैंक है, नाम से पता चल रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, ये ब्रिटिश बैंक है, ब्रिटिश बैंक है, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, RBS है, ये सब कमर्शियल बैंक हैं जो इंडिया में एक्टिविटी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे होते हैं। अच्छा, जिन जो हमारे चैनल में न्यू है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, कमेंट करना चाहें कमेंट भी कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट कर सकते हैं वीडियोज़ में। तो दूसरी कैटेगरी कमर्शियल बैंक हो गया। थर्ड कैटेगरी कमर्शियल बैंक के अलावा हमारे पास अगर हम बोलें RRB रीजनल रूरल बैंक्स, RRBs जिन्हें RRBs बोलते हैं, 1975 में सबसे पहले एस्टैब्लिश किए गए थे, उस समय नेशनल इमरजेंसी कंट्री में लगी हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1975 को सबसे पहले RRB लॉन्च किए गए थे। मेनली इनको में टारगेट किया गया था कि रूरल एरिया के लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ना, तो स्पेशली रूरल एरिया में ये वाले बैंक खोले गए थे ताकि रूरल एरिया के लोगों को बैंकिंग के साथ जोड़ा जाए। तो ये अलग एक्ट से बने थे, रीजनल रूरल बैंक्स इन बैंक्स को बोला जाता है। और आज की डेट में देखें 1975 से अब तक बहुत सारे RRB या तो बंद हो गए या फिर जो नेशनलाइज बैंक हैं जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके साथ मर्ज हो गए हैं RRB, ठीक है, क्योंकि जिस पर्पस से खोले गए थे वो वाले पर्पस अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी पूरा करते हैं, क्योंकि रूरल एरिया में भी बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक खुल गए हैं अब, ठीक है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में एक ही RRB है जो काम कर रहा है, वो है उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो रीजनल रूरल बैंक है वो UP में है प्रेजेंट में, ठीक है, और इनका कोई ना कोई स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, वो सरकारी बैंक होता है स्पॉन्सर्ड बैंक। जैसे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में आप जाएंगे तो उसमें लिखा होगा स्पॉन्सर्ड बाय SBI, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बोलें हमारे पास है कॉपरेटिव बैंक्स, कॉपरेटिव बैंक को कमर्शियल बैंक नहीं बोलते, तो आप ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस के कॉन्सेप्ट में काम कर रहा होता है, तो इसे कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, नो प्रॉफिट नो लॉस का कॉन्सेप्ट रहता है इसमें। और ये मेनली ना स्टेट के लॉ से बने हुए रहते हैं, तो रजिस्टर्ड अंडर डिफरेंट स्टेट एक्ट, अंडर डिफरेंट एक्ट्स ऑफ स्टेट्स,
मतलब ये सेंटर के लॉ से नहीं बनते, स्टेट के लॉ से बने हुए होते हैं कोऑपरेटिव बैंक। इसमें रिक्रूटमेंट सिलेबस, जो एग्जाम का रिक्रूटमेंट होता है उसमें एग्जाम वगैरह होता है, सिलेबस वगैरह डिफरेंट रहता है, इनका बिल्कुल डिफरेंट रहता है पैटर्न, एज लिमिट वगैरह अलग अलग स्टेट का अलग अलग रहता है इसमें कोऑपरेटिव बैंक्स में, ठीक है। फंक्शनिंग भी थोड़ा सा डिफरेंट रहती है, ठीक है। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक भी होता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती हैं विलेज लेवल पे, तो थ्री टीयर स्ट्रक्चर इसमें भी होता है। और ये जो अलग अलग स्टेट के कोऑपरेटिव एक्ट्स होते हैं उसके अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, सेंटर के लॉ से नहीं बनते। जैसे ये तो सेंटर के लॉ से, ये सेंटर के लॉ के हिसाब से चल रहे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट के लॉ के हिसाब से चल रहा होता है। स्टेट गवर्नमेंट के शेयर्स भी होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस भी उसमें हो सकता है कोऑपरेटिव बैंक्स में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपमेंट बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स उन बैंक्स को बोलते हैं जो कि नेशन डेवलपमेंट के हिसाब से ही बने हुए हैं, ठीक है। ये पब्लिक के साथ डायरेक्ट डील नहीं करते, ठीक है। ये मेनली सब्सिडियरी हैं आरबीआई की, उनको डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है, सब्सिडियरी ऑफ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडियरी होते हैं। जैसे हम बात करें नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, रूरल एरिया के ओवरऑल डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नबार्ड की रहती है, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंट बैंक है, नबार्ड कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में नहीं आता। हम नबार्ड में अपना बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, ठीक है। रूरल एरिया में ओवरऑल लोन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, नबार्ड इन बैंक्स के ऊपर नज़र रखता है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइंस रहती है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग एक होता है टर्म, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग इनको एग्रीकल्चर में लोन देना ही होता है, रूरल एरिया में लोन देना ही होता है, तो नबार्ड उस पर नज़र रखता है ताकि ये लोन दें, ठीक है। और जो अगर लोन नहीं दे पाते तो वो नबार्ड का एक RIDF होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसमें वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है, फिर रूरल एरिया के डेवलपमेंट में ही पैसा वो खर्च होता है। तो बैंक्स के लिए कंपलसरी होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन देना या रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए लोन देना। नबार्ड है हमारे पास, SIDBI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इनकरेज करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, उसके लिए लोन वगैरह प्रोवाइड करने को। तो ये भी क्या है, इनके ऊपर नज़र रखता है कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए लोन दे रहे हैं कि नहीं। ये सब RBI की सब्सिडियरी है, इन्हें डेवलपमेंट बैंक्स बोला जाता है, यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं खुलते हमारे। एग्जिम बैंक हो गया, इसे भी डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने वाली कंपनीज जो रहती हैं उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करना, उनको लोन वगैरह मिलना चाहिए, ठीक है, वो इंश्योर करता है। तो ये सब डेवलपमेंट बैंक में आते हैं। उसके अलावा पेमेंट बैंक्स, पेमेंट बैंक्स बाकी जो बैंक्स हैं उनसे डिफरेंट होते हैं। पेमेंट बैंक 2015 में 11 पेमेंट बैंक को लाइसेंस दिया था, 11 बैंक्स वर गिवन लाइसेंसेस 2015 में, 11 पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिला था। और जैसे इसका एग्जांपल है एक पेटीएम, इंडिया पोस्ट एक सरकारी है इसमें इंडिया पोस्ट, एयरटेल बैंक भी है। तो 11 पेमेंट बैंक को लाइसेंस मिला था। और ये पेमेंट बैंक किस पर्पज़ से खुले थे, इनके फिजिकल ब्रांचेज नहीं खोलने की ज़रूरत होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें ऑनलाइन पेमेंट्स को इनकरेज करने के लिए, क्योंकि आज का यूथ स्मार्टफोन है, इंटरनेट पहुंच गया है आज के यूथ के पास, तो इसमें हम ईज़ मतलब ट्रांजेक्शन को ईजी बनाने के लिए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो, ठीक है, उसको इनकरेज करने के लिए पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट खुला, पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट आया। और इससे क्या है कि ट्रांजेक्शन्स बढ़े हैं, जैसे पेटीएम है, आपको ऑनलाइन टिकट बुक करना है, बिल पेमेंट करना है, तो पेटीएम के थ्रू काफ़ी इजी हो जाता है, ठीक है। आपको ये बैंक जो है, बैंक में तो आपका अकाउंट है ही, आपने पेमेंट बैंक में भी पैसा ट्रांसफ़र किया हुआ है, उसके थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, मतलब ये ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी है एक तरीके से। लेकिन इसमें एक लिमिट होती है कि जैसे सेविंग अकाउंट में 2 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होते, तो इसमें बहुत बड़ा अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर सकते। ये मेनली बना है पेमेंट बैंक का, मतलब आपको इधर उधर पेमेंट्स करनी हो तो इन बैंक्स में पैसा डिपॉजिट रख सकते हो, चाहे बिल पेमेंट हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो, ठीक है, या फास्टैग को रिचार्ज करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो, तो पेमेंट बैंक में बहुत सारी फैसिलिटी रहती हैं। तो पेटीएम है, इंडिया पोस्ट है, एयरटेल बैंक है, तो 11 बैंक को लाइसेंस मिला था, 3 ने तो लाइसेंस वापस कर दिया था, तो अभी 8 के पास फिलहाल लाइसेंस है जो पेमेंट बैंक चल रहे होते हैं। मेनली ये टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को जिनके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट यूज़र्स हैं, ये सबको टारगेट नहीं कर रहे हैं, जबकि कमर्शियल बैंक में तो सभी का नॉर्मली बैंक अकाउंट है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है पेमेंट बैंक के अलावा स्मॉल फाइनेंस बैंक,
एक कैटेगरी है स्मॉल फाइन, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक कमर्शियल बैंक की तरह ही है, बस इसमें क्या किया गया है, इसमें 8 जो है इसमें 10 बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था 2015 में, 10 बैंक्स को लाइसेंस दिया गया था 2015 में, और ये कमर्शियल बैंक का समझ लो मिनी वर्जन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक कमर्शियल बैंक का मिनी वर्जन है, और इसमें ये अनबैंक्ड एरिया या जहाँ पर अनसर्व्ड एरिया है, जहाँ पर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है या जिन लोगों तक बैंकिंग नहीं पहुँची उनके लिए, अगर ये अच्छा करेंगे तो इनको फुल बैंकिंग का लाइसेंस भी मिल सकता है अगर ये अप्लाई करें तो, ठीक है। ज़्यादातर लोकल नाम से हैं, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उत्कर्ष करके हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो ऐसे ऐसे 10 हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक जिनको RBI ने एक तरीके का हम बोल सकते हैं मिनी कमर्शियल बैंक का लाइसेंस है, फुल बैंकिंग का लाइसेंस नहीं है इनके पास। तो ये हमने टाइप्स ऑफ बैंक्स आज डिस्कस करे, ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, सबके यूसेज अलग अलग हैं, ठीक है, ये एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू।